नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्योंकि ये स्टॉक जो है मुझे काफी पसंद आ रहा है, कंपनी की तरफ से अच्छा अनाउंसमेंट आ रहा है, डिविडेंड को लेकर के ह्यूज अनाउंसमेंट है। क्यों ये स्टॉक मुझे अभी पसंद आ रहा है, प्लस इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था लगभग 300 से 300 के रेंज में, 310 के रेंज में, और देखिए आज कहाँ ये ट्रेड कर रही है। अभी भी ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, एंड इसमें जो टारगेट अभी फ्यूचर और अभी निकल कर आ रहा है, अगर हम लोग स्टॉक के साथ ट्रेड करें तो 500 प्लस का टारगेट निकल कर आएगा। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट क्या है, तो डिविडेंड का डेट क्या है, कितना डिविडेंड अनाउंस होगा उसको डिस्कस करेंगे। प्लस ये कंपनी मुझे क्यों पसंद आ रहा है, मैं आपको सॉलिड रीजन देने वाला हूं, चार्ट में भी एंड प्लस एक्सेल में भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज का मार्केट कैप को चेक कीजिए, 93,029 करोड़ की कंपनी निफ्टी का स्टॉक है ये, और निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद देखिए इसका पी वाई रेशियो 3.21 का है, तो अपने काफी अच्छे लुक्रेटिव मल्टीपल में अवेलेबल है। इंडस्ट्री का 10.6 है, उससे काफी नीचे ट्रेड करिए, बहुत ऊपर जाने का ताकत है। और कंपनी का प्रॉफिटेबल कंपनी देख सकते हैं, 28,975 करोड़ का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और डेट कंपनी को देखिएगा तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, तो इनका डेट लेकर के काम होता है। और कंपनी का अगर हम लोग दूसरा चीज है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया अबाउट कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक और है, दैट इज इन्वेस्टर्स को अगर आप चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टेक देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, कोई चिंता नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर 52.98, काफी लंबे समय 2020 से मेंटेन है। एफआई का स्टेक 11.56 से बढ़कर के 13.01 हुआ है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने स्टेक को और इंक्रीज किया, 12.55 से बढ़कर के 13.01, यानी अगर लॉन्ग टर्म में चेक किया जाएगा तो एफआई अपने स्टेक को बढ़ाते चले जा रहे हैं। डीआई का स्टेक 20.07 था, अभी 22.53, यानी कि डीआई का स्टेक ओवरऑल आप चेक कीजिएगा तो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर कीजिएगा तो 23.10 से गिर करके 22.53 हुआ है, और पब्लिक का स्टेक जो रहता है 12.53 से गिर करके देखिए 10.21 है, तो पब्लिक का स्टेक गिर रहा है, मात्र 10% का ही स्टेक यहाँ पर है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऐड किया है, इसलिए चूंकि 10% एंड 10% के अराउंड में, 30% से नीचे, इसलिए शिवलिंग स्टेक मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि पब्लिक का स्टेक काफी कम है और काफी ऊपर जाने का ताकत रखता है। तो ये था अबाउट दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था अबाउट पी बाई ई रेशियो, ठीक है, तो 3.21 पी बाई रेशियो था। मुझे क्यों पसंद आ रहा है, मैं उसे आपको एक्सेल में समझाता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहला चीज है, आप यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। सबसे पहला नाम मार्केट कैप वाइज अगर चेक कीजिएगा तो नंबर वन कंपनी का नाम तो सबको पता है, रिलायंस का है, देन टीसीएस का है, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आप मार्केट कैप इन लोगों का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केट कैप वाइज मैंने अरेंज किया। अभी क्या है कि कंपनी का अगर हम लोग पी वाई रेशियो वाइज चेक करेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 का पूरे स्टॉक्स यहाँ पर 50 स्टॉक्स है, तो ये देखिए 50 स्टॉक्स, लास्ट स्टॉक आपका यूपीएल का है, मार्केट कैप के वाइज चेक कीजिएगा तब। तो पी वाई रेशियो अगर हम निकालते हैं, स्मॉलेस्ट सबसे कम किसका है, ओके, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में गया, तो देखिए सबसे पहला नाम यहाँ पर बताया जा रहा है बीपीसीएल का, देख सकते हैं BPCL, देन सेकंड में ONGC है, SBI है, टाटा स्टील है। तो जितने भी ये ब्लू कलर में देख सकते हैं, 10 से या उससे कम है, 10 है या फिर उससे कम है, तो यहाँ चार कंपनियों का नाम है, आप उसको देख सकते हैं। काफी अच्छे लेवल है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, और इतने अच्छे लेवल में, इतने अच्छे मल्टीपल में अवेलेबल है। सो इसलिए इसलिए भी ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। कंपनी का फिर दूसरी, ये तीसरा या चौथा चीज जो है, ये इसका जो चार्ट जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं 400, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 400 या फिर 395 से 400 का रेंज जो रहता है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 395 से 400 का। यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स आप चेक कीजिएगा, ये ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं ना, दैट इज मूविंग एवरेज, बाई साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है, मूविंग एवरेज नहीं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, बाई साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है, एंड मूविंग एवरेज यहाँ पर पॉसिबल देखिए बाई साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड में है। एंड प्लस कंपनी का अगर ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इस जगह पे देखिए सबसे पहले कंपनी ने इस जगह पर लो बनाया था जो कि लगभग 2018 में था, देन आफ्टर दैट फिर से दूसरा लो बनाया, देखिए थोड़ा हायर लो बनाया यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा लो बना, ये भी एक हायर लो ही क्रिएट हुआ, ठीक है। अब देखिए जितना भी लो बन रहा है ना, सभी एक हायर लो का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो वीकली चार्ट में समझ सकते हैं इसने अपने लो को अभी तक तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, काफी बुलिश चार्ट यहाँ पर अभी दिख रहा है, और इससे पहले भी जब गिरावट हुई थी देखिए 400 के रेंज से यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हुआ था, तो जब जब 400 को ये तोड़ता है तो काफी अच्छा गिरावट होता है, इसलिए मतलब 395 400 का रेंज, 395 से 400 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी से मैं यहाँ पर काम करूंगा, मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कंपनी का अगर आप और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए क्रूड का जो है, यहाँ पर आप चार्ट को अगर चेक कीजिएगा, देखिए क्रूड का चार्ट है, तो जो कैंडल पार्ट में है ये आपका क्रूड का है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्रूड का है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज आपका बीपीसीएल का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, जब क्रूड तूफानी तेजी ऊपर जा रहा था, तो देखिए यहाँ पर
बीपीसीएल का चार्ट में ये देखिए गिरावट यहाँ पर था। फिर यहाँ पर क्रूड का प्राइस में जब गिरावट हुआ तो बीपीसीएल के चार्ट में देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेजी स्टार्ट हुआ है। फिर से यहाँ पर क्रूड जब ऊपर गया यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हो गया। अब देखिए फिर से जब क्रूड में गिरावट स्टार्ट हुई है तो बीपीसीएल के में ऊपर का मूव स्टार्ट हो गया। तो चूंकि क्रूड के चार्ट में यहाँ पर एक क्रैक आ गया है, गिरावट का बहुत ज्यादा चांसेस बन रहा है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बीपीसीएल जो रहता है अपना जो हाई जो रहता है ना 550 प्लस का हाई जो रहता है उसको ये तोड़ सकता है। क्योंकि क्रूड का चार्ट में देखिए मूविंग एवरेज का सेल साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है, क्रॉसओवर सेल साइड की ओर है। ये मैं तुरंत में नहीं बोल रहा कि सब कुछ तुरंत में हो जाएगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, लेकिन हो जाना चाहिए। 500 का टारगेट तो ऐसे ही निकल कर आता है। ओके कंपनी का और इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये देखिए, कंपनी ने आज जो अनाउंसमेंट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 29 नवंबर 2023 कंपनी ने आज डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, हैज डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹20, यानी ₹21 प्रति शेयर आपको एक शेयर पर मिलेंगे, ₹21 परसेंटेज के रेट में 210% का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, यानी एक शेयर पे आपको मिलेंगे ₹21। एंड रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने फिक्स किया है 12 दिसंबर 2023 रिकॉर्ड डेट है। ओके एंड पेमेंट का देख सकते हैं यहाँ पर, इट काइंडली नोटेड दैट अबव डिविडेंड वुड बी पेड और द वारंट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ वुड बी पोस्टेड ऑन और बिफोर 28 दिसंबर 2023। तो डिविडेंड का भी तड़का लग चुका है, चार्ट पॉजिटिव है, शेयरिंग हिस्ट्री अच्छा खासा है, पीवाई रेशियो सपोर्ट कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा है, तो क्यों नहीं जाएगा स्टॉक 550 500 के ऊपर। ओके 500 प्लस 550 के रेंज में, और वो 550 को जब तोड़ेगा तो फिर समझ सकते हैं काफी ऊपर जाने का ताकत है, फिर काफी ऊपर ब्लू साइज जोन में चला जाएगा ये। तो दैट्स ऑल अबाउट बीपीसीएल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।